हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज डिस्कस करेंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स पे। मतलब बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट, अकाउंट्स के स्टूडेंट परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं कि डेटर्स किसे बोलते हैं और क्रेडिटर किसे बोलते हैं, या फिर जानते हैं तो वो कुछ गलत मीनिंग समझते हैं। तो आज अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिए और समझ लीजिए डेटर्स किसको बोलते हैं और क्रेडिटर किसको बोलते हैं। दोस्तों, डेटर का मतलब समझने की कोशिश करना। एक कस्टमर, डेटर पहले आप माइंड में सेट करो कस्टमर, और क्रेडिटर आप माइंड में सेट करो सेलर या सप्लायर। सप्लायर आपकी कोई शॉप है दोस्तों, आपकी कोई शॉप है, आपके पास आपके कस्टमर्स हैं, और आपके पास जहां से माल आता है वो है सप्लायर। दोस्तों, सप्लायर ने आपको माल बेचा, आपको माल दिया, आपको गुड्स दी, माल मतलब गुड्स। सप्लायर ने आपको गुड्स दी, आपने इस गुड्स को कस्टमर को दिया, तो आप बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हो, ये आपकी शॉप है। दोस्तों, शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आप शॉप पर पहुंचो, शॉप पर हो आप, शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। आपने जब अपने कस्टमर को माल दिया, कस्टमर ने कहा है मेरे पास पैसा अभी नहीं है, मैं पैसा एक महीने बाद दूंगा, मतलब उधार उधार समझो, उधार बेचा माल, तो ये फर्म इसको डेटर बोलेगी। क्या बोलेगी? डेटर। एक है तो डेटर, और इसी तरह से बहुत सारे कस्टमर है तो डेटर्स। डेटर्स को कभी कभी हम बुक डेट भी बोलते हैं, बी साइलेंट होता है इसलिए बुक डेट भी बोलते हैं। और दोस्तों, कभी कभी इसे अकाउंट्स रिसीवेबल भी बोलते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है दोस्तों, अकाउंट रिसीवेबल हो, बुक डेट हो, डेटर्स हो, कस्टमर जिनको उधार माल बेचा गया, सबका मतलब बिल्कुल एक ही है। अब आपके माइंड में समझ आ गया, आपको अब आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि डेटर किसको कहते हैं। डेटर्स उन कस्टमर को कहते हैं जिसने आपसे उधार माल खरीदा और आपको पैसा वापस देगा, आपको मतलब आपकी फर्म को, आपकी शॉप को पैसा देगा, उनको डेटर कहा जाता है। क्लियर है बात, ये वर्ड समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। सप्लायर, कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो आपको उधार माल बेचते हैं, और कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो नकद बेचते हैं। नकद वालों को साइड कर दो, मतलब आपको माल भेजा, आपसे पैसा लिया, उनको साइड करो। मगर कुछ सप्लायर ऐसे हैं आपके पास आए, आपको माल दे गए, कह दिया मैं बाद में आऊँगा, पैसे बाद में ले जाऊँगा, तो आप कर्ज़दार हो गए इन लोगों के, इन सप्लायर्स के आप कर्ज़दार हैं। तो इन लोग, ये लोग आपसे बाद में पैसा लेंगे, तो आपकी फर्म इनको क्या कहेगी? क्रेडिटर्स। समझ आया आपको? क्रेडिटर, क्रेडिटर उन पर्सन को या उस सप्लायर को कहते हैं जिसने आपको उधार गुड्स दी है और आपसे बाद में पैसा लेगा, मतलब ये लेने वाले हैं, मतलब ये आपसे पैसा लेंगे और ये आपको पैसा देंगे। इसी तरह से इनको क्रेडिटर को और भी नाम बोल सकते हैं हम, जैसे अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये वर्ड, दोनों समझ आ गया आपको। डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ, डेटर्स उन कस्टमर को बोलते हैं जो आपको पैसा देंगे, एक्चुअली ये आपकी असेट्स है। इसी तरह से सप्लायर उन सेलर को, तो सॉरी दोबारा देखो इसी तरह से क्रेडिटर उन सप्लायर्स को कहते हैं जो आपको उधार माल बेचते हैं, आपसे पैसा लेंगे, ये आपकी लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट और समझ लो आप, आपके कभी कभी आपको दिखाई देगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। इसी तरह से कभी कभी आपको दिखाई देगा ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। दोस्तों, जो ट्रेड रिसीवेबल है इसमें डेटर्स भी इंक्लूड होते हैं, प्लस बिल रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स। इसी तरह से ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स भी इंक्लूड होते हैं, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स रिसीव, बिल्स पेबल। मतलब ये कहने का मतलब ये है, अगर बोला जाए ट्रेड रिसीवेबल तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट है देन डेटर्स। इसके अंदर डेटर के साथ साथ बिल रिसीवेबल, इसी तरह से ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर के साथ साथ बिल पेबल को भी कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, ये बिल रिसीवेबल, बिल पेबल क्या होते हैं, आज इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और दिन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। जल्दी फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।